Hello everyone, welcome to Let's crack you आज हम लोग पढ़ेंगे आंदोलन, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से लाहौर स्टेशन में ये गांधी पहुंचे थे गांधी कलकत्ता स्टेशन पहुंचे उन्नीस सौ अट्ठाईस में फिर उन्नीस सौ के लाहौर स्टेशन में पहुंचे और एक उसी में कहा गया था कि हाँ आंदोलन छेड़ा जाएगा आज भी बात करेंगे और फिर गांधी ने जो है अवज्ञा आंदोलन शुरू किया दांडी पहुंचकर अपने हाथों से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़कर इसलिए इसको नमक सत्याग्रह भी कहते हैं कई बार आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा कि इसको नमक सत्याग्रह भी कहते हैं गुड़ीवनिंग, 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 गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे क्वेश्चन और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जो इसका प्रसार हुआ जो आंदोलन का स्प्रेड हुआ अलग अलग हिस्सों में किसने इसका नेतृत्व किया कौन कौन से वर्ग समाज के इसमें शामिल थे कहाँ पर इसका कैसा प्रभाव पड़ा तो उन पर ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा आजकल थोड़ी तबीयत वैसी रहती है मेरी तो एक भारीपन महसूस होता रहता है मुझे तो इसलिए आपको थोड़ी सुस्ती लगती होगी हमेशा सेशन में मैं खुद ही मुझे ऐसा लगता है कि वो जो है एक जो, जो, जो जोश मेरे में रहा करता है वो आजकल फील नहीं कर पा रही हूँ तो उससे आप लोग बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगे आप बिल्कुल फोकस रखिए एकदम फैक्ट्स पर जो मैं आप लोग को बता रही हूँ और ध्यान से लेक्चर को लीजिए क्लास नोट्स अपना बनाते रहिए और साथ में पीडीएफ अटैच्ड है ठीक है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग तो कुल हम लोग जो है थर्टी लेक्चर पे तीसवें लेक्चर पर हम लोग पहुंच चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री के और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि बहुत ही छोटे छोटे सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए और ध्यान से लीजिएगा इस बार सैटरडे हमारा एक मैराथन सेशन रहेगा और हम लोग एम लगाएंगे तो जो लोग भी इस सेशन से शुरू से जुड़े हुए हैं उन लोगों से मुझे उम्मीद रहेगी कि उनके आंसर्स एकदम करेक्ट आए क्योंकि यहाँ पे सब ने क्या आंसर दे रहे हैं पता चल जाएगा मुझे सबके नेम से पता चल जाएगा ए बी सी डी में आप क्या आंसर कर रहे हैं तो आप लोगों से यही उम्मीद रहेगी मुझे यही उम्मीद रहेगी कि आप लोग आंसर सही करें तो सैटरडे लॉक कर लीजिएगा टाइम सैटरडे हम लोग मैराथन सेशन दो घंटे का सेशन रहेगा और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे ठीक तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी सी जान पहचान और अन अकेडमी पर एक सब्सक्रिप्शन से आपको ये सब कुछ मिलता है कि आपको अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज के लिए अलग से टेस्ट सीरीज के लिए चाहे प्रिलिमस हो मेन्स हो सीसेट हो जीएस हो सब एक साथ आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिलता है और अभी फ्लैट फिफ्टी परसेंट ऑफ चल रहा है तो जो ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम है जो इंग्लिश फाउंडेशन बैच है उस पर जो है आठ फरवरी तक यानी कल तक ऑफ है इस पर कल के बाद ये खत्म हो जाएगा तो आप लोग जो है इस पर बिल्कुल डिसीजन ले लें आप लोग जल्दी से ठीक तो ये ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम है जिसमें ये इंग्लिश मीडियम के लिए है इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक टू टॉपिक कवरेज पूरा किया जाएगा इसमें पूरा लाइव क्लासेस के साथ साथ टेस्ट सीरीज वगैरह ये 2025 का है। से ये शुरू हो रहा है पच्चीस हजार दो सौ तिरसठ रुपए से आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 50% परसेंट ऑफ है इस पर हिंदी मीडियम का लक्ष्य बैच प्रिलिम्स मीन कंप्लीट वन टू वन मेंटरशिप के साथ ये सभी टॉप के एडुकेटर्स और ये देखिए हमारे ऑप्शनल का जो भी आपका पसंदीदा ऑप्शनल होता है वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है और मैंने आप लोगों को कल भी बताया था आज से शुरू कर दिया है डेली सुबह टेन थर्टी एम ठीक है टेन थर्टी एम पर यह क्लास में ले रही हूँ ऐप पर सुबह दस बज के तीस मिनट पर ठीक तो टेन थर्टी एम मैं, मैंने हिस्ट्री से शुरुआत कर दी है क्लास सिक्स की तो ये ऐप पर ही ये मैं सारा पॉल ये शुरू वो एनसीआरटी आप लोग का कवर कराने वाली हूँ तो जो लोग की 2024 25 वाले हैं वो जुड़ सकते हैं सुबह साढ़े दस बजे तो आज का हमारा टॉपिक गांधी जी की असहयोग के साथ एक ये टेक्निक थी सिविल डिजोबीडियंस मूवमेंट अवज्ञा आंदोलन की हम हम जो है आपकी बात को नहीं मानेंगे ठीक है तो हम जो है बीने के साथ ठीक हम आपको डिजॉबे करेंगे हम आप आपके रूल्स आपके बनाए नियमों को नहीं मानेंगे और इसमें भी वही किया गया इसमें भी वही किया जैसे सहयोग में यह था कि हम जो है हम किसी भी स्तर पे आपके साथ सहयोग नहीं करेंगे यहां पे हम अब आपके बनाए नियमों को तोड़ेंगे हम किसी हम आपके बनाए नियमों को नहीं मानेंगे तो जो भी सिविल कोर्ट आपने बनाए हैं हम उसको नहीं मानते हैं और इसको शुरुआत किया जो है गांधी ने कैसे तो नमक कानून को तोड़कर कैसे हैं आप लोग सब लोग ठीक हैं ठीक है तो लाहौर अधिवेशन जो कल हम लोगों ने पढ़ा था 1929 में जो हुआ रावी नदी के किनारे लाहौर अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित किए गए थे उसमें जो गोलमेज सम्मेलन जो सरकार स्वराजियों के डिमांड पर बुला रही थी कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया जाए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वन टू वन डिस्कशन किया जाए सभी पार्टियों से दलों से कि भाई क्या समाधान हो सकता है भारत कि संवैधानिक प्रश्न को वो कैसे हल किया जा सकता है इसमें यह था कि हम बहिष्कार करेंगे हम बहिष्कार करेंगे और पूर्ण स्वराज हमने बात कर ली है कल कैसे पूर्ण स्वराज का क्या था दूसरा ये था कि हम जो है एक क्या करेंगे तो एक डिजोबीडियंस मूवमेंट हम चलाएंगे ठीक तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी वॉज इंटरेस्टेड विद द फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी कांग्रेस कार्य समिति को स, पूरा जो है उत्तरदायित्व तो सौंपा गया और इसमें जैसे था कि हम टैक्सेस को पे नहीं करेंगे ठीक और ये भी था कि भविष्य में काउंसिल के, के किसी भी इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट कांग्रेस नहीं करेगी ठीक है नहीं करेगी तो ये कुछ वो था लाहौर सेशन के बाद गांधी जी ने यंग इंडिया में यंग इंडिया में एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में उन्होंने एड्रेस किया लॉर्ड इरविन को लॉर्ड इरविन कौन थे तो उस समय थे वो भारत के बॉय राय तो उनको एड्रेस करके उन्होंने यंग इंडिया में यंग इंडिया में इन्होंने इलेवन डिमांड्स रखी ग्यारह सूत्री मांगे ठीक इलेवन डिमांड्स जिसको हम लोग जो है ग्यारह सूत्री मांग हिंदी में कह देते हैं ठीक है तो इन मांगों को स्वीकार करना स्वीकार करने के लिए उन्होंने 31 जनवरी थर्टी फर्स्ट जनवरी 1930 तक का उन्होंने टाइम दिया इकतीस जनवरी 1930 तक का समय है आपके पास और आप इसमें हमें बता दीजिए कि आप इन मांगों को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और अगर नहीं कर रहे हैं तो हम हम क्या करेंगे हम अब एक आंदोलन हम आंदोलन शुरू करेंगे अगर आप इन डिमांड्स को नहीं मांगे मानेंगे तो हम आंदोलन शुरू करेंगे ऐसा जो है ये था तो यंग कहां पर निकाली उन्होंने तो आप कहेंगे यंग इंडिया में कहां पर रखा इन्होंने तो यंग इंडिया में तो इसमें जो इलेवन डिमांड्स कौन कौन से थे तो उनके इलेवन डिमांड्स को ऐसे बांट दिया गया है तीन कैटेगरी में मतलब उन्होंने नहीं बांटा था उनके तो इलेवेंट डिमांड्स थे हमने समझने के लिए इसको बांट दिया गया है बांट दिया है तो जैसे स्पेक्ट्रम में अच्छे से बांटा गया है इसको मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि जिन किताबों से आपको प्रेम है स्पेक्ट्रम बिपिन चंद्र और एक किताब जिनके बारे में आप नहीं जानते हो शेखर बंदोपाध्याय जो ऑप्शनल के बच्चे पढ़ते हैं और काफी वहाँ से क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछा जाता है मैंने सभी का एक क्रक्स आपको दे दिया है इस सेशन में ठीक तो इसमें जो इशू था कॉमन इंटरेस्ट का उसमें ये था कि भाई जो सिविल सर्विसेज पर और आर्मी सेना पर जो एक्सपेंडिचर आता है यानी सिविल सर्वेंट्स थे ज्यादातर इंग्लैंड वाले होते थे और उनको बहुत हाई सैलरी दी जाती थी ऐसी कैंपेन्स करते रहते थे, थे अलग अलग क्षेत्रों को जीतने के लिए भारत के लोगों को दबाने के लिए सेना का इस्तेमाल किया जाता था और उस पर बहुत खर्च किया जाता था तो उस पर कहा गया इन्होंने कहा कि इस पर कम से कम फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट इस पर कटौती किया जाए इस खर्च पे और उस खर्च को लोगों के डेवलपमेंट में वेलफेयर में लगाया जाए दूसरा इन्होंने कहा कि नशीली जो वस्तुएं हैं ठीक जितने भी मतलब हैं उनके सेल पर कंप्लीट बैन लगाया जाए नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध कंप्लीट बैन लगाया जाए सभी के सेल पर एक ठीक दूसरा तीसरा इन्होंने कहा कि सीआईडी जो विभाग है जिसको सरकार अक्सर जिसका इस्तेमाल करती है स्वतंत्रता सेनानियों के पीछे तो इन्होंने कहा सीआईडी विभाग पर पूरी तरह से जो है या तो बिल्कुल जो है पब्लिक कंट्रोल हो या पूरी तरह इसको खत्म कर दिया जाए अबोलिश कर दिया जाए सीआईडी विभाग उस समय सीआईडी सीआईडी से लोग बहुत गिरते थे आप लोगों ने सोनी पर सीरियल देखा होगा सीआईडी और ऐसा जो है एकदम प्रचार लोगों के बीच हम मैंने बचपन से सुना है कि कोई ज्यादा खोज बीन करने लगता था तो ज्यादा सी मत बनो है ना लोग उसको ऐसे चेक करते थे कि ज्यादा सी मत बनो तो ये हुआ कि भाई इस पर जो है नियंत्रण किया जाए ठीक है चौथा यह था कि जो है, कानून उसमें परिवर्तन किया जाए जैसे कि आपने देखा कि लिट, लिटन ने आर्म्स एक्ट पास कर दिया था अठारह में लिटन ने आर्म्स एक्ट पास किया और कहा भारतीय अपने आत्मरक्षा के लिए अपनी सेफ्टी के लिए भी भारतीयों को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा मतलब भारतीयों को किसी भी तरह का हथियार रखना विपिन रखना उन लोगों को मना था कोई किसी भी तरह का आर्म्स नहीं रख सकते थे तो गांधी ने कहा कि नहीं मतलब उनकी अपनी सेफ्टी के लिए आर्म्स रखना विपिन रखना उनको अलाउ किया जाए लाइसेंस दिया जाए पांचवा था सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया जाए यहीं पर बात अटकी थी गांधी समझौता में कि सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को नहीं रिलीज किया गया जो लोग वायलेंस में इन्वॉल्व थे जो क्रांतिकारी थे उनको नहीं छोड़ा गया और छठा पोस्टल रिजर्वेशन बिल डाक आरक्षण बिल पास किया जाए तो छह जो मांगे रही डिमांड रहे वो कॉमन इशू कॉमन इंटरेस्ट वाले रहे सामान्य वर्ग सामान्य हित वाले रहे सबके लिए मतलब और कुछ इसमें उन्होंने डिमांड्स रखे थे एलीट समय भारत में औद्योगिक वर्ग का उदय हो चुका था जो अभी आप लोग नाम सुनते हो ना टाटाज बिरलाज ये सब आ चुके थे क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को बुम मिला था भारत में औद्योगिकरण को तो वो अब धीरे धीरे क्या हो रहा था अब उसका विकास हो चुका था एक भारत में पूंजीपति वर्ग पूंजीपति वर्ग औद्योगिक वर्ग का उदय हो चुका था और ये भी परेशान थे ये लोग क्यों परेशान थे क्योंकि सरकार विदेशी वस्तुओं के आयात पर इम्पोर्ट पर कोई भी बैन नहीं लग बैन क्या मतलब टैक्स भी नहीं लगा रही थी भारत का मार्केट खुला हुआ था तो ऐसा होता है कि नए औद्योगिकरण को संरक्षण देने के लिए हमेशा क्या किया जाता है कि बाहर से आने वाले माल को रोक दिया जाता है ताकि देशी जो वस्तुएं हैं जो, जो गुड्स हैं वो जो खुद भारत में बने हैं वो उनको उनका डिमांड बढ़े भाई किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तो फिर वही खरीदेगा और ज्यादा ऑप्शन रहेगा तो फिर वो विदेशी खरीदेगा तो, खरी तो इसलिए लेकिन ये सरकार नहीं रोक रही थी ठीक सरकार उस पर किसी भी तरह का जो है उस पर रोक लगाने में टैक्स लगाने में मना कर रही थी क्योंकि उसको तो अपनी चीजें भारत में बेचनी थी तो उस पर जो है ये गांधी ने उन जो औद्योगिक वर्ग था जो जैसा कि मैंने कहा कि टाटा बिरलाज वगैरह ये ये सभी किन के साथ होलिए गांधी के साथ क्योंकि इनको ये समझ में आ गया कि अब हमारी हमारी इंटरेस्ट को भी सेफ गार्ड कौन कर सकता है तो गांधी कर सकते हैं तो कुछ उनके लिए था जैसे कि एक्सचेंज रेट जो रुपीज का एक्सचेंज रेट है उसको रिड्यूस करके वन शिलिंग फोर पेंस किया जाए इंग्लैंड का ये वो मुद्रा है तो एक रुपए की विनिमय दर घटाकर एक शिलिंग चार पेंस किया जाए ठीक और प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगाया जाए यानी जो है जो भी विदेशी कपड़े भारत में आते हैं उन पर रक्षात्मक शुल्क लगाया जाए भारत के उद्योगों की रक्षा के लिए उन पर हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जाए और तटीय यातायात रक्षा विधेयक बिल पास किया जाए द कोस्टल टैरिफिक डिफेंस बिल पास किया जाए इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ठीक तो ये ये कैसा था तो ये बुर्गोइज एलिट क्लास का डिमांड था जो गांधी ने अपने डिमांड में शामिल किया था जैसे कि मैंने कहा कि औद्योगिक वर्ग जो है आकर अब इनके साथ खड़ा हो गया था कुछ किसानों के लिए कुछ स्पेसिफिक डिमांड थे फार्मर्स के लिए कि भाई जो लैंड रेवेन्यू है लगान है उसमें फिफ्टी परसेंट रिडक्शन किया जाए पचास परसेंट कम कर दिया जाए किसानों पर बहुत ज्यादा लगान का बोझ है और नमक जो कि गरीब की थाली का भोजन होता है जो इस पर जो है टैक्स नहीं होना चाहिए तो ये कहा कि नमक कर भी समाप्त कर दिया जाए सॉल्ट टैक्स शुड बी अबॉलिश और सरकारी एक अधिकार को नमक पर से खत्म कर दिया जाना चाहिए सबको नमक बनाने का अधिकार मिलना चाहिए ठीक तो ये था तो इसको जो जैसे कि हम लोगों का कैसे डीपीएसपी हम लोग ऐसे बांट देते हैं बांट करके क्योंकि मतलब उसमें कुछ सोशलिस्ट हैं कुछ, है, कुछ गांधीयन हैं ना कुछ जनरल हैं तो उसी तरह से जैसे इसमें बांट दिया गया है उनके ग्यारह डिमांड्स को कभी इस तरह से भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए आप लोगों से तो आप लोग इसको आंसर कर सकते हैं ठीक तो ये गांधी के इलेवन डिमांड्स थे इसी पर पैक्ट हुआ था इसी पर समझौता होगा सरकार फिर म, कुछ मांगे, मांगे मानेगी वो हम लोग पढ़ेंगे गांधी इरविन समझौता में तो गांधी ने इकतीस जनवरी इकतीस जनवरी तक समय दिया था लॉर्ड इरविन को कि आप इस पर अपना जवाब दीजिए लॉर्ड इरविन को मानना ही नहीं था लॉर्ड इरविन को जैसे उस समय इतने हल्के में उन्होंने गांधी को लिया और उन्होंने कहा कि बहुत चले हो तुम जो है डिमांड करने हा हम तुमको कुछ भी नहीं समझते ठीक ये एटीट्यूड था लॉर्ड इरविन की तो जिसको कहते हैं ना कि कान पर जुए तक नहीं रहेगी मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा और फिर गांधी जी ने फिर डिसाइड किया ये फैसला लिया गांधी जी ने कांग्रेस सेशन में एक पास हो ही चुका था कि हम आंदोलन शुरू करेंगे तो गांधी ने शुरू कर दिया तो ये शुरू हुआ कब तो ये 12 मार्च ठीक 12 मार्च 12 मार्च 1930 से तो ये शुरू होता है कहाँ से शुरू होता है ये तो ये शुरू होता है दांडी से दांडी और कैसे तो जैसा कि आप लोग को मैंने आप लोगों को बताया आप लोग जानते हैं नमक सत्याग्रह भी इसको कहते हैं यानी अपने हाथों से नमक बनाकर दांडी समुद्र तट पर पहुंचे गुजरात में और अपने हाथों से नमक बनाकर इस कानून को गांधी तोड़ते हैं और इस तरह से पहला कानून तोड़कर सिविल डिजिब मूवमेंट शुरू हो गया ठीक तो ये इसको जो है अब इस दिन कितने हाँ ये भी आप लोगों के पूछा जाता है जैसे आप लोगों की स्टेट जो पीसीएस है उस एग्जाम में पूछा जाता है मतलब यूपीएससी इसलिए नहीं कह रही हूं कि यूपीएससी का थोड़ा पैटर्न अलग होता है लेकिन आजकल यूपीएससी भी फैक्चुअल क्वेश्चन पुछन पूछने लगी है तो गांधी के साथ कितने लोगों ने दांडी मार्च किया था साबरमती आश्रम से लेकर दांडी समुद्र तट तक ये पैदल लोग चले थे उसी को दांडी मार्च कहते हैं ठीक तो अठहत्तर सेवेंटी एट गांधी जी के कितने फॉलोअर्स ने किया गांधी को तो सेवेंटी एट अठहत्तर चुने हुए लोग थे पहले गांधी ने विमेंस को मना किया था कि विमेंस नहीं जाएंगी पर बाद में गांधी ने सरोजनी नायडू के जीत पर अलाउ कर दिया था महिलाओं को भी तो इसमें कुछ महिलाएं भी थी आप लोगों ने पिक देखी होगी गांधी के बराबर में सरोजनी नायडू यहां पर चलती हुए हैं फोटोज में तो अठहत्तर फॉलोअर्स और कितने किलोमीटर चले तो लग तीन सौ पचहत्तर तीन सौ पचहत्तर किलोमीटर दूर गुजरात के समुद्र तट पर पहुंचते हैं दांडी गांव में और 6 अप्रैल को गांधी पहुंचते हैं वहां पर छह अप्रैल को समुद्र तट पर जाकर के वो बनाते हैं तो सिक्स अप्रैल को ठीक तो ये भी फैक्ट आप लोग याद रखेंगे अब जैसे गांधी ने शुरुआत कर दी थी ये शुरुआत थी उसके बाद तो पूरे देश में जगह जगह पर जैसे कैसे अभी आप लोगों ने देखा दिए पूरे हर शहर में हर घर में दिए जलाए गए मतलब कुछ घर छोटे होंगे पर ज्यादातर जैसे मैंने नहीं जलाया मतलब आप लोग मुझे ये मत समझना कि मैं जो है वो हूँ जो नास्तिक हूँ या कुछ इस तरह के मैं सब जला रहे थे मैंने देखा इंजॉय किया सोसाइटी में भी लोग जला रहे थे तो मैं अब हम लोग तो भाई काम काजी लोग हैं इतना वो नहीं होता टाइम तो मतलब लेकिन एक क्या हुआ एक आंदोलन की तरह फैला था तो आप लोग ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि जगह जगह पर लगभग हर शहर में हर क्षेत्र में हर शहर में लोगों ने इस आंदोलन को अपने अपने लेवल पे नमक सॉल्ट मार्च किया नमक यात्रा यानी नजदीकी समुद्र तट तक पहुंचे नमक बनाया जिधर सी नहीं था जैसे संयुक्त प्रांत है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश पंजाब वगैरह नॉर्थ ईस्ट जहां पर सी नहीं था वहां पर दूसरे तरीके से दूसरे तरीके से इसको किया गया वहां के लोकल जो कुछ समस्याएं थी उन, उनके का विरोध करते हुए तोड़ा गया जैसे बिहार में बंगाल में कहा गया चौकीदारी कानून नहीं दे चौकीदारी टैक्स नहीं देंगे हम तो इस तरह से ठीक है <laughs> जो लैंग्वेज समझ में आता है जिस लैंग्वेज में समझ में आता है उसी लैंग्वेज में आप पढ़ाई करें ठीक है सत्यम कुमार हाँ तो आप लोगों को सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है सबसे ज्यादा कि कहां कहा, पर कैसे कैसे इस आंदोलन का प्रसार हुआ ठीक यही सबसे ज्यादा पूछा जाएगा इसमें जो है मतलब विमेंस का पार्टिसिपेशन एक इंपॉर्टेंट एक जो है ये रहा फीचर रहा इस आंदोलन का कि बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने इसमें भाग लिया ठीक है और खान अब्दुल गफार खान जो है नॉर्थ ईस्ट में जो सीमांत गांधी कहे जाते हैं इसलिए क्योंकि गांधी के आंदोलनों को इन्होंने उत्तर पश्चिमी प्रांत में इन्होंने फैलाया था तो इन्होंने वो बनाया था खुदाई खिदमतगार ठीक ये लोग लाल कुर्ती पहनते थे ये लोग लाल कुर्ती पहनते थे इसलिए इसको लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते हैं तो इन्होंने एक संगठन बनाया था खुदाई खिदमतगार और ये वहां पर इन्होंने उसको जो है वहां पर फैलाया ठीक है तो और कहां कहां पर तो तमिलनाडु में, तमिल में किसने इस आंदोलन को नेतृत्व दिया तो तमिलनाडु में राजगोपालचारी ठीक है तमिलनाडु में राजगोपालचारी ने तंजौर तंजौर के समुद्री तट पर ठीक तंजौर के समुद्री तट पर उन्होंने नमक बनाया था और ये त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक का या, यात्रा किया था इन्होंने टू वेदारण्यम ठीक तो तमिलनाडु में राजगोपालचारी त्रिचनापली से वेदारण्य तक नमक यात्रा की तंजौर पर सी कोस्ट पर उन्होंने बनाया मालाबार मालाबार समझ गए केरल केरल में इसको मालाबार कोस्ट पर किसने किया इसको तो मालाबाद में के केलप्पन केलप्पन के और इसी एक और ये के, के कौन थे अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये वायकोम सत्याग्रह के लीडर थे वायकोम सत्याग्रह जो कि मंदिर प्रवेश आंदोलन था एक तरह से उसको उसको नेतृत्व दिया था तो केरल केरल के बायकम सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध एक नायर नेता थे और इन्होंने नमक पदयात्रा इन्होंने भी किया था हीर वही ऑर्गेनाइज सॉल्ट सॉल्ट मार्च नमक पद यात्रा कहा कालीकट से लेकर कालीकट टू पोयनार तक कालीकट से लेकर पोयनार तक ठीक तो मालाबार में किसने किया के केल मालाबार में ही पी कृष्ण पल्लई रहे एक पी कृष्ण पल्लई ठीक ये बाद में कम्युनिस्ट मूवमेंट की नींव डाली इन्होंने केरल में इन्होंने भी कालीकट समुद्र तट पर जो है यहां पर वहां तक पहुंचे थे पुलिस का लाठी चार्ज झेला था और झंडा फहराया था तो मालाबार में दो नेता के केलप्पन और पी कृष्ण पल्लई पिल्लई सॉरी आंध्र क्षेत्र तो आंध्र आंध्र क्षेत्र में जो है यह यहां पर पश्चिमी गोदावरी कृष्णा एवं गुंटूर जिला स्तर पर ये कई सारी नमक पद यात्राएं आयोजित की गई थी और इसमें सबसे जो मुख्य आप याद रखेंगे सीवी राम सीवी ठीक सीवी राम आप लोगों से पूछा जाएगा क्या था तो ये जैसे सैनिकों का कैंप होता है ना तो उसी तरह सेना की तर्ज पर अलग अलग कैंप बनाए गए लो, लोगों को इकट्ठा करके कैंप कैंप बनाए गए लोग इसमें जुटे इनका एक मुख्यालय बनाया गया नमक सत्याग्रह का और लोग अलग अलग ग्रुप में लोगों ने इसको लीड किया था आंध्र प्रदेश में उड़ीसा उड़ीसा में कौन तो उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी गोपाल बंधु चौधरी ये एक गांधीवादी नेता थे और कटक और पूरी जिले में वहां के तटीय क्षेत्र में इस आंदोलन को उन्होंने खूब जो है इसका प्रसार किया इसका बालासोर कटक पूरी तो उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी अभी ये पूछा नहीं गया है ठीक अभी यहां से क्वेश्चन नहीं आया है तो इसलिए ये नेम्स आप लोग याद रखेंगे मैं क्वेश्चन करवा दूंगी तो आप लोग का रिविजन हो जाएगा असम में ऐसा हुआ कि असम में एक वो प्रभा सैक्निक का नाम याद रखिएगा उसके अलावा असम में कनिंगम सर्कुलर भी अभी इशू किया गया था कनिंगम सर्कुलर क्या था कनिंगम सर्कुलर ये था कि आपको जब भी किसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट आज भी देना पड़ता है कि भाई हम किसी क्रिमिनल ऑफेंस में इन्वॉल्व नहीं हैं हम एक पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं है ना हमारा कोई भी ऐसा क्रिमिनल बैकग्राउंड या नहीं है इसलिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है तो यहाँ पर ज, जो है कनिंगम सर्कुलर में कहा गया कि सिर्फ स्टूडेंट को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने से काम नहीं चलेगा उसको उसके पेरेंट्स का कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा और ये बेसिकली राष्ट्रीय आंदोलन को रोकने के लिए था जैसे अगर मान लो मैं रा, अगर राष्ट्रीय आंदोलन में मैं कोई एक्टिविस्ट हूं तो मेरे मे, मेरे बच्चे का एडमिशन भी फिर कॉलेज में नहीं मिलेगा ये था तो ए, इस कनिंगम सर्कुलर का बहुत ज्यादा विरोध हुआ तो समझ लो कि नमक सत्याग्रह के साथ कनिंगम सर्कुलर का विरोध भी इसके साथ जुड़ गया था तो चंद्रप्रभा सैकनी असम में चंद्रप्रभा सैकनी ने गांव गांव घूमकर वन कानूनों को तोड़ने के लिए लोगों को अपील किया ठीक जिसने असम कांग्रेस ने तो अस्वीकार किया लेकिन प्रभा सैकड़ी ने प्रभा सैकनी ने जो है वन कानून तोड़ने के लिए कचरी गांव के निवासियों को वो किया कि भाई आप वन कानून तोड़ दे वन कानून समझते हैं कि भाई लकड़ी नहीं काटेंगे आप आप लकड़ी नहीं काटेंगे डैम नहीं बनाएंगे इस एरिया से ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे आप माइनिंग नहीं करेंगे ये सारे फॉरेस्ट था। बंगाल में बंगाल में सुभाष चंद्र बोस जेम्स एंड गुप्ता इन दो गुटों में बं, उसमें बंगाल कांग्रेस विभाजित हो गई थी तो थोड़ा सा ये देखा गया कि बहुत संगठित तरीके से बंगाल में इस आंदोलन को उत, उस तरह से नेतृत्व नहीं मिला क्योंकि कांग्रेस खुद बटी हुई थी बट और कॉरपोरेशन के इलेक्शन भी चल रहे थे कॉरपोरेशन चुनाव भी चल रहा था बट फिर भी असर रहा ये नहीं कहेंगे कि ये असर नहीं हुआ गिरफ्तारियां हुई हिंसक झड़पें भी हुई नमक सत्याग्रह और चौकीदार के साथ साथ अलग अलग शक्तिशाली आंदोलन मिदनापुर आरामबाग कई ग्रा, कई ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ यूनियन विरोधी यूनियन बोर्ड का हम कर नहीं चुकाएंगे उसके विरोध में जैसे आपने देखा सहयोग के समय हुआ था इस समय भी चल रहा था बेसिकली यूनियन बोर्ड जो होता था बाकी जो गांव में चौकीदार होते थे तो उनको पे करने के लिए यूनियन बोर्ड का खर्च निकालने के लिए लोकल लेवल पर टैक्स लगाया जाता था एक सरकार जो टैक्स ले रही है लगान ले रही है किसानों से वो तो ले ही रही है इसके अलावा एक और स्थानीय कर भी किसानों को चुकाना पड़ता था तो ये गांव के लोगों को पसंद नहीं आता था चौकीदार जो होते थे वो पुलिस की मुख वो जैसे एक तरह से ब्रिटिश पुलिस के वो मुखबिर हुआ करते थे गांव की जासूसी किया करते थे वो कि गांव में क्या हो रहा है सरकार को खबर किया करते थे तो वो सरकार के पक्ष में काम करते थे और उनकी सैलरी गांव वालों से लिया जाता था तो इसलिए यूनियन बोर्ड टैक्स और चौकीदारी टैक्स के विरोध में बंगाल में बिहार में उसका विरोध होता था और हुआ मतलब जब भी आंदोलन शुरू होता था तो होता था बिहार में इस, इसको जो है नखास तालाब को चुना गया था पटना का और इसका नेतृत्व तो किसने किया अंबिका कांत सिन्हा ने अंबिका कांत सिन्हा बीपीएससी में आप लोग को पूछा जाएगा तो याद रखिएगा और यहां पर भी चौकीदारी करके विरुद्ध चल रहा था आंदोलन यहां पर भी लोग कह रहे थे कि हम नहीं देंगे उस समय झारखंड नहीं था बिहार का ही पार्ट हुआ करता था छोटा नागपुर अब झारखंड में है तो यहां पर भी यहां पर कौन कौन तो यहां पर बोंगा मांझी सोमरा मांझी ये दो नेता थे बोंगरा मांझी और सोमरा मांझी और इन्होंने जो है यहां पर गांधीवादी नीति से ये प्रभावित थे और इन्होंने लोगों को वहां पर संगठित किया आंदोलन का नेतृत्व किया और एक तरह से लोगों को इन्होंने सुधारने का प्रयास किया कि शराब मत पियो नशा मत करो जादू टोना टोटके में क्योंकि आदिवासियों में ये आदतें ज्यादा पाई जाती हैं तो इन लोगों ने लोगों को अपील की ठीक कि भाई मतलब नॉन वेज मत खाओ मीट एल्कोहल को छोड़ दो खादी का प्रयोग करो तो एक तरह से रिलीजियस सोशो रिलीजियस रिफॉर्म के साथ जुड़ गया ये इसको संस्कृताइजेशन भी कहते हैं संस्कृताइजेशन का मतलब होता है संस्कृतिकरण एम एन श्रीनिवासन एक भारत के समाजशास्त्री हैं उनका यह शब्द है संस्कृतिकरण संस्कृताइजेशन इसका मतलब होता है कि आप जो है आ, जो कास्ट सिस्टम में जो अपर कास्ट के लोग जिस तरह का व्यवहार करते हैं प्रैक्टिस करते हैं उसको जब लोअर कास्ट उसको फॉलो करने लग जाती है या यहाँ पर जैसे देख रहे हैं आप एसटी फॉलो कर रही है तो उसको कहा जाता है संस्कृतिकरण तो एक तरह से ये सोशियो रि, रिलीजियस रिफॉर्म की तरह संस्कृतिकरण की तरह ये जुड़ गया था और धराशना आपको पता ही ये धराशना महाराष्ट्र में एक जगह है और यहाँ पर एक सरकारी गोदाम था सरकारी नमक का गोदाम था फैक्ट्री और गोदाम तो यहां पर नमक बनता था और ये उस पर ताला था तो उसको सरोजिनी नायडू इमाम साहब गांधी के पुत्र थे मणिलाल तो ये कुछ नेता थे इन लोगों ने जो है दो हजार आंदोलनकारियों के साथ इस नमक कारखाने पर धावा बोला कि भाई ताला वाला तोड़ देना है इसको बोले सरकार कैसे बना सकती है इस तरह से तो यहां पर ये लोग वहां पर गए तो लेकिन इनके हाथों में कोई आम नहीं था कोई हथियार नहीं था यहां तक कि लाठी भी नहीं थी निशस्त्र ये निशस्त्र भीड़ थी फिर भी इन पर चार्ज हुआ इन पर लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था पुलिस ने और इसमें बहुत सारे लोग घायल हुए और कई लोग मर गए उस समय एक अमेरिकन जर्नलिस्ट वेब मिलर वेब मिलर इस घटना को उन्होंने देखा और न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा था इंटरनेशनल लेवल पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी बुराई हुई थी आलोचना हुई थी धराशना की ठीक तो पुलिस दमन का एक एक अनूठा एग्जाम्पल था डेटा यह है सरकारी कि दो लोग मारे गए 320 गंभीर हुए लेकिन ऐसा नहीं है ये इसमें कई सारे लोग मारे गए थे गुजरात में आनंद और बोरस नादियाद इन सभी क्षेत्रों में भी शक्तिशाली आंदोलन चलाया गया था आनंद नादियाद बोरस यहां पर कहा कि हम लोग कर नहीं चुकाएंगे रेवेन्यू नहीं पे करेंगे और पुलिस वल्लभ भाई पटेल की मदर को भी गिरफ्तार कर ले गई सरदार पटेल कई महीनों तक छुप छुप कर पुलिस से लोहा लेते रहे थे संयुक्त प्रांत संयुक्त प्रांत कौन सा तो आज का उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत मतलब इसको यूनाइटेड प्रोविंस उस समय नाम दिया था ब्रिटिश शासन ने तो यहां पर भी जमींदारों से सरकार को राजस्व न देने का आह्वान किया गया था कि आप लैंड रेवेन्यू पे मत करो मणिपुर और नागालैंड तो मणिपुर और नागालैंड रानी गोडनल्यू का आप लोगों ने नाम सुना है तेरह साल की उम्र में ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उन्होंने झंडा खड़ा कर लिया था बेसिकली रानी गोडनल्यू जो है हेराका मूवमेंट से जुड़ी हुई थी जो कि एक सेमी रिलीजियस संगठन था तो इनके चचेरे भाई उसको चलाते थे ये उसी से जुड़ी हुई थी लेकिन धीरे 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 ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ हो गया स्वतंत्रता आंदोलन में ये तब्दील हो गया था तो रानी रानी गौडिलियो को गिरफ्तार कर लिया गया था आपके एनसीआरटी में दिया हुआ है क्लास एट के एनसीआरटी रानी गौडिल्यू को रानी टाइटल किसने दिया तो रानी गौडिलियो को रानी क्वीन टाइटल दिया था जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू ने दिया था जब वो जेल में इनसे मिलने गए और रानी गौडिल्यू को तो जब आजादी मिली तब जाकर के इनको रिहा किया गया था तब से ये जेल में ही थी तो इनका जो जन्म हुआ था ट्वेंटी जनवरी नाइनटीन को मणिपुर मणिपुर के नुंगकाओं जिसको लंकाओं भी कहते हैं वहां पर हुआ था और ये शुरू में आध्यात्मिक नेता थी जो हेराका आंदोलन मैंने आपको बताया कि इनके भाई थे उनके साथ ये हेराका मूवमेंट से जुड़ी हुई थी और बाद में ये पॉलिटिकल हो गया था तो मणिपुर के आसपास जितने भी ब्रिटिश सेटलमेंट्स थे उसका ये लोग विरोध करते थे ठीक है तो ये इस तरह से ये यहां पर जुड़ा था तो 1932 में इनको अरेस्ट किया गया था आजीवन कारावास लाइफ इंपरिजनमेंट दिया था कब गए थे जवाहरलाल नेहरू इनसे मिलने शिलोंग जेल में तो नाइनटीन में उन्नीस में जाकर मिले थे और इनको रानी का टाइटल और पहाड़ों की बेटी ठीक डॉटर ऑफ द माउंटेन कहा उन्होंने किसने तो जवाहरलाल नेहरू ने यहां से क्वेश्चन अलग अलग स्ट्रीट बहुत बार पूछा गया है यूपीएससी भी पूछ सकती है तो ये याद रखिएगा रानी अच्छा गढ़वाली जो क्षेत्र आज का उत्तराखंड यहां पर थे चंद्र सिंह गढ़वाली इनका नाम भी याद रखेंगे आप लोग चंद्र सिंह गढ़वाली चंद्र सिंह गढ़वाली ने जो है उन एक जिस प्लाटून सेना के जिस प्लाटून का को लीड कर रहे थे उनको ऑर्डर दिया गया था उनको कहा गया था कि जो डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं जो प्रदर्शनकारी हैं उनको दबाना है उनको छिन भीन करना है उनको जो है मतलब हमेशा जब भी कोई आंदोलन होता था विद्रोह होता था तो हमेशा सेना की सहायता से ही ब्रिटिश शासन दबाया करती थी तो इनको कहा इन्हों को जब भेजा गया उस आंदोलन को दबाने के लिए वहां पर तो इन इन्होंने मना कर दिया जो प्रदर्शनकारी थे जो प्रोटेस्टर थे वो नॉन वायलेंट प्रोटेस्टर थे उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था उन पर इन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया ये एक बहुत बड़ी घटना थी ये बहुत बड़ी घटना थी चंद्र सिंह गढ़वाली का एक बहुत बड़ा ये कदम था इससे ये पता चला कि अब सेना के भीतर भी राष्ट्रवाद फैल रहा है क्योंकि सेना और पुलिस ब्रिटिश कमांड को आंख बंद करके फॉलो किया करती थी जबकि उसमें मेनली ज्यादातर इंडियंस ही होते थे तो इससे ये पता चला कि अब सेना के भीतर भी राष्ट्रवाद आ चुका है और सेना पर भी ब्रिटिश शासन ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकती ठीक है और नॉर्थ ईस्ट में भी देखा गया मतलब पूर्वी कोनो में भी देखा गया मणिपुर देखा ही आपने तो मतलब यहाँ सरकार ने इस राष्ट्रीय संघर्ष के साथ साथ भी पहले जैसा ही व्यवहार किया था मतलब पहले जैसा व्यवहार मतलब कि वही सेना और पुलिस की मदद से दबा दिया आंदोलन को दबा दिया ठीक ये हमने देखा आंदोलन का प्रसार अब हम लोग जैसे इसमें देखेंगे कि आंदोलन का प्रभाव क्या रहा आंदोलन को दबा दिया गया गांधी जी सहित 90,000 से अधिक सत्याग्रही गिरफ्तार कर लिए गए और कांग्रेस को कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित किया गया ये गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था जब गांधी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस लौटे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस लौटे और दोबारा जब उन्होंने दूसरा अवज्ञा आंदोलन शुरू कर जब करने की घोषणा की तो गिरफ्तार कर लिया गया था और उसी समय कांग्रेस को इल, इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि कांग्रेस को गैर कानूनी कब घोषित किया गया ठीक है तो ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय तो मतलब जितनी न्यूज थे उन पर सेंसर लगा दिया गया बहुत सारे लोगों को पर मतलब पुलिस लाठीचार्ज गोलाबारी चलाया गया तो मतलब उसमें डेटा है कि 110 से अधिक लोग मारे गए 300 से अधिक लोग घायल हुए और मतलब एक एक एग्जाम्पल है कि दक्षिण भारत में जनता ने आंध्र प्रदेश में एलोरा एलोरा एक जगह था वहां पर शांतिपूर्ण शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहे थे केवल गांधी जी की फोटो लगा रखी थी उस पर गोलियां चलाई गई थी ठीक अभी तो ऐप पर ही एनसीआर हो रहा है आप लोग ऐप पर जुड़ जाइए तो तो एक तो आप लोग का क्वेश्चन आता है प्रसार से आंदोलन को कैसे दबाया गया तो सर रिप्रेशन एज यूजुअल इसमें हम लोग कल पढ़ेंगे कि मतलब गांधी इरविन आंदोलन को में ऐसा हुआ कि गांधी इरविन पैक्ट हुआ गांधी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए तैयार हो गए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लेकिन वहां पर सांप्रदायिक बातें हुई गांधी संतुष्ट नहीं हुए लौट कर उन्होंने वापस आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित किया गया लेकिन आंदोलन को दबाने का जो प्रयास है वो जो है बिल्कुल जो है वो शुरुआत से ही रहा लेकिन समझौते के बाद जब दोबारा गांधी ने आंदोलन शुरू करने की बात की तो पुलिस ने बिना किसी कोताही के बिना किसी कंप्रोमाइज के पुलिस ने पूरी तरह से आंदोलन को दबा दिया तो गांधी इंपैक्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कल हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम लोग देखते हैं सविन आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ क्या इंपैक्ट प्रासिबिल डिजोबिडेंस मूवमेंट का इंपैक्ट में कि, कि इसमें सोसाइटी के समाज के कौन कौन से वर्ग शामिल हुए छात्र मध्यम वर्ग मिडिल क्लास विमेन्स कैपिटलिस्ट पूंजीपति वर्ग किसान मजदूर कौन शामिल रहे इसमें कौन शामिल नहीं रहे किस तरह का प्रभाव ओवरऑल इस पर पड़ा पूरे देश पर तो ये देखते हैं हम लोग यहां से भी क्वेश्चन रहेगा देखिए जब यह आंदोलन शुरू किया गया था तो जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है कार्य समिति उसने एक ऐसा कार्यक्रम तैयार किया था कि भारतीय समाज पर उसका विभाजक प्रभाव कम पड़े यानी इफ़ेक्ट जो है इंडियन सोसाइटी पर इसका कम पड़े ठीक मतलब सब एकजुट होकर इस आंदोलन को चलाएं किसी भी तरह का कोई भी ऐसा विभाजनकारी ऐसा कोई वो ना हो प्रभाव लेकिन क्या होता है कि अप्रैल के लास्ट तक मतलब मार्च में ये शुरू करते हैं वो सॉरी छे अप्रैल से मतलब ये आंदोलन शुरू होता है बारह मार्च से एक तरह से सॉल्ट मार्च करते ही शुरुआत होती है लेकिन 6 अप्रैल में नमक जो तोड़ते हैं उसके बाद पूरी तरह फैलता है लेकिन एंड ऑफ अप्रैल तक आते आते कई जगह हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने नहीं उस समय देखा गया <laughs> कि कुछ जो है हिंसक कार्रवाइयां जो है देखी गई कुछ वायलेंट एक्शन कुछ वायलेंट एक्शन इस पीरियड में देखे गए जबकि ये गांधी हमेशा सत्याग्रह बेस्ड नॉन वायलेंस अहिंसा अहिंसा पर आधारित तो उन्होंने सारे आंदोलन शुरू किए गए तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण रहा चटगांव वाला। चटगा इसी समय हमने पढ़ा था परसों की क्लास में चटगांव आर्मरी रेड 1931 में ठीक 1930 में 1930 में तो मतलब चटगांव वाला जो केस इसी समय होता है एक तरफ सविनय आंदोलन शुरू हो रहा है और दूसरी तरफ दूसरी तरफ जो है के इस मतलब इस तरह जो है चटगांव में आर्मरी रेड हो जाता है इसी तरह से पेशावर में जो हम लोगों ने सुना बादशाह खां कहे जाते थे खान अब्दुल गफार खां को लोग बादशाह खां कहते थे तो बादशाह खां को जब अरेस्ट किया गया वहां पर वो तो मतलब गांधीवादी नेता थे और सत्य और अहिंसा पर आधारित आंदोलन ही पर चला रहे थे, फिर भी उनको अरेस्ट कर लिया गया तो वहाँ पर जो है मई के मध्य में इनको गिरफ्तार किया गया था वहां की जनता भड़क गई और वहां पर भी कुछ हिंसक कार्यवाही देखी गई इसी तरह शोलापुर महाराष्ट्र के शोलापुर में एक टेक्सटाइल फैक्ट्री था उसमें खुद वर्कर्स ने वहां पर जो है स्ट्राइक कर दिया तो मतलब कि कोई ऐसा कोई नेता नहीं रहा जिसने उनको कार्यक्रम दिया जिन्होंने उनको मोटिवेट किया अपने आप ये मजदूर एकदम मोटिवेट हुए और उन्होंने जो है हड़ताल शुरू कर दी शहर के सरकारी इमारतों को तोड़फोड़ करना सरकारी ठिकानों का तोड़फोड़ करना इस तरह से एक ये शुरू हो गया कहां पर तो महाराष्ट्र के सोलापुर में तो मतलब ये ऐसा था कि ये सब कुछ जन आंदोलन थे ये कुछ अपने आप मतलब ये जो है सेल्फ मोटिवेटेड ये सब जन आंदोलन थे तो इससे मतलब एक तरह से सभी भागों में जन आंदोलन को बढ़ावा मिला और ये विदेशी सरकार से जो असहयोग हो रहा था उनकी असविनय अवज्ञा हो रहा था तो एक तरह से मतलब सिर्फ असहयोग ना होकर अवज्ञा ना होकर एक तरह से ये क्या, इसका असर क्या देखा गया तो असर देखा गया कि अब लोग स्वाधीनता पाने के लिए लोग अब आतुर थे अब लोग जो है आजादी के लिए एक तरह से अब लोग लड़ रहे थे ठीक तो मतलब एक ये असर लोगों में देखा गया तो देखा गया कि इन सभी मतलब क्षेत्रों में हिंसा फूटा हिंसक गतिविधियां देखी गई लेकिन फिर भी गांधी ने इस समय आंदोलन को वापस नहीं लिया जबकि असहयोग आंदोलन में गांधी ने जैसी छिटपुट कुछ घटनाएं हुई या चौरा चौरी हुआ गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया लेकिन यहां पर आपने देखा नॉर्थ ईस्ट में बंगाल में हुआ महाराष्ट्र में हुआ लेकिन गांधी ने आंदोलन को वापस नहीं लिया ठीक ये आंदोलन जो है मतलब चलता रहा था ये गांधी इरविन पैक्ट से ये कौलब हुआ था सुमित सरकार एक इतिहासकार हैं सुमित सरकार आ, की बुक आ, अच्छी है जैसे आप लोग तो मतलब क्या ही पढ़ेंगे आप लोग मत लीजिएगा हम लोगों ने पढ़ी है सुमित सरकार की किताब मेरे पास पढ़ी हुई है किताब वो ठीक है तो सुमित सुमित सरकार कहते हैं सुमित सरकार कहते हैं कि आ, ये जो है उनका ये कहना है कि सभी अवज्ञा आंदोलन में 1920 के आंदोलन के मुकाबले अतिवाद बढ़ा यानी जब असहयोग के बदले यहां पर रेडिकलिज्म बढ़ा ठीक जबकि मतलब कोई दो टुक सफलता नहीं मिली इसमें ऐसा कोई सब जैसे कि असहयोग से ज्यादा लेकिन इसमें तो यहां पर लोग रेडिकलिज्म अतिवाद का मतलब होता है कि हम बिल्कुल जो है हाँ तो हां ना तो ना बीच का कोई रास्ता नहीं ठीक तो हमको ये चाहिए तो चाहिए हम ये करेंगे तो करेंगे तो इसको रेडिकलिज्म कहते हैं तो यहां पर कहते हैं कि ये आंदोलन थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव रहा असहयोग से कंपेरिजन इसमें ही क्या हिंदू मुस्लिम असहयोग की तरह साथ मिलकर लड़े तो इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का स्पष्ट अभाव था देर इज क्लियर लैक ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन इट मुस्लिम लीग जो अलग हुई थी तो फिर मुस्लिम लीग इससे अलग ही रही ठीक है मजदूरों की भागीदारी की अगर हम लोग बात करें तो मजदूरों का कोई बड़ी भागीदारी बड़ा पार्टिसिपेशन इसमें नहीं देखा गया मजदूर वर्ग का भी और जो पढ़ा लिखा वर्ग था जो एजुकेटेड क्लास था वो इसमें उस तरह से शामिल नहीं हुआ जैसे असहयोग में शामिल हुआ था पूरी तरह से एकदम डेडिकेट होकर अब सबकी अपनी अपनी थॉट थी अपनी अपनी सोच थी बहुत सारे गांधीवादी रणनीति से स्ट्रैटेजी से विश्वास भी उठ गया था तो पढ़ा लिखा वर्ग भी इसमें उस तरह से शामिल नहीं हुआ जिस तरह से असहयोग में शामिल हुआ था लेकिन इस आंदोलन की एक जो खास विशेषता रही कि औद्योगिक वर्ग औद्योगिक वर्ग का मैसिव सपोर्ट मिला इस आंदोलन को तो इस समय इस समय जो है बजाज ठीक बजाज टाटा जी इन लोगों ने खूब खूब समर्थन दिया अपना गांधी जी को तो ये एक नया नया था ये भी नया था विमेन्स का पार्टिसिपेशन स्वदेशी आंदोलन से ही एक तरह से आई एम सॉरी स्वदेशी आंदोलन से ही शुरुआत हो गई थी महिलाओं के पार्टिसिपेशन की लेकिन ठीक इतने लार्ज स्केल पर नहीं हुआ था तब यहां पर यह भी एक बहुत बड़ी विशेषता रही कि लार्ज नंबर में बड़ी संख्या में पार्टिसिपेशन देखा गया और ये जो है जगह जगह पर जगह जगह पर जैसे शराब की दुकानों पर धरना देती थी वो दुकानें जहां पर विदेशी कपड़े बिकते थे उन दुकानों पर धरना देती थी दुकान खुलने ही नहीं देती थी अगर दुकान खुल भी गया तो दुकान पे बिक्री नहीं होने देती थी दुकान के सामने मतलब एकदम छाप लेती थी तो ये इनका इसमें इस मेन तरीका रहा लेकिन ये बहुत ही एक खास विशेषता रही दांडी मार्च के समय भी मैंने आपको बताया कि दांडी मार्च के इस, इस पर समय भी साथ में रही और गांधी की बात सुनने के लिए हजारों की संख्या में महिलाएं आगे आई जहां जहां से गांधी गुजरे थे ठीक तो सरकार ने दमन का सहारा लिया था इसको दबाने के लिए हमने पढ़ा ही तो इस सरकार के दमन की वजह से क्या हुआ कि बिजनेस पर थोड़ा इसका असर पड़ा तो आप लोगों को पता ही है कि जो बिजनेस क्लास होता है वो लॉस नहीं बर्दाश्त करता कुछ भी हो उसका बिजनेस चलते रहना चाहिए तो अब यहां पर जो औद्योगिक वर्ग का एक तरह से जो साथ मिला था अब देखा कि आंदोलन की वजह से तोड़फोड़ की वजह से पुलिस कार्यवाही की वजह से बिजनेस नहीं चल पा रहा है तो वो धीरे धीरे ठंडे होने लग गए जो बिजनेस क्लास के लोग थे और सरकार ने भी उनका फेवर लेने के लिए 1931 में सूती कपड़ों के आयात पर पांच प्रतिशत का एक तरह से सरचार्ज लगा दिया फाइव परसेंट इम्पोज कर दिया उन्होंने जो डिमांड कर रहे थे इंडस्ट्रियलिस्ट वो एक तरह से कर दिया तो अब इंडस्ट्रियलिस्ट भी धीरे धीरे जो है साइड हो गए थे और मिडिल क्लास मिडिल क्लास इसमें शुरू से ही जो है उतना बहुत उत्साह में नहीं था जो मध्यम वर्ग जो असहयोग आंदोलन में देखा गया तो मध्यम वर्ग आरंभ से ही देखा गया कि थोड़े से जो उतने उसमें एंथुजियाजम नहीं देखा गया जितना कि असहयोग के समय देखा गया और जो यूथ थे जो यूथ थे वो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे गांधी एंड फिलोसफी की जगह क्योंकि ये यूथ जो थे उनके आदर्श बन गए थे भगत सिंह भगत सिंह भगत सिंह जिन्होंने मतलब अंग्रेज अफसर को मारा भी और असेंबली में लेजिस्लेटिव असेंबली में बम भी फेंका हमने पढ़ा कि कैसे उन्होंने जो है साडर्स को मारा इन लोगों ने बटुकेश्वर दत्त के साथ फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में इन्होंने बम फेंका और बंगाल बंगाल में थे विनय बादल और दिनेश बंगाल में बिने बादल और दिनेश ये तीन क्रांतिकारी थे इन्होंने राइटर्स बिल्डिंग पर हमला कर दिया था आज भी राइटर्स बिल्डिंग है कलकत्ता में कौन तो ये तीन लोग बिने बादल और दिनेश इन्होंने राइटर्स बिल्डिंग पर बम फेंका इंस्पायर्ड होकर भगत सिंह से तो यूथ इनसे ज्यादा इंस्पायर हो रही थी मजदूर वर्ग हम लोग बात कर चुके हैं कि गांधी के मतलब गांधी भी इन अपने आंदोलन में इनको शामिल करने में थोड़े से डाउट में थे कि ये किस तरह कहीं वायलेंट न हो जाए इनको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए और मजदूर वर्ग का समर्थन ज्यादातर गायब ही रहा ठीक मतलब केवल एक एक्सेप्शन रहा नागपुर में नागपुर के मजदूरों ने आंदोलन किया था बस किसानों का भी उत्साह ठंडा पड़ता गया था धीरे धीरे क्योंकि जो है जितने भी जैसे गुजरात के जो धनी किसान होते हैं पाटीदार किसान और संयुक्त प्रांत के में जो जमींदार कहे जाते हैं उत्तर प्रदेश में तो इन, इन कुर की जब्ती सरकार करने लग गई इनकी संपत्ति को जब्त करने लग गई तो उनका उनका भी उत्साह ठंडा पड़ गया खेतीहर पैदावार जो थे इस समय मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के दामों में भारी गिरावट आई तो कमजोर किसान के मतलब कमजोर किसान जो थे उनके आंदोलन में जो कुछ उग्र प्रवृत्तियां देखी गई वो गुस्से में तोड़फोड़ करने लग गए थे ठीक मतलब जैसे संयुक्त प्रांत में लगान रोको अभियान चला कि हम लगान नहीं चुकाएंगे आंध्र प्रदेश मध्य प्रांत महाराष्ट्र बिहार उड़ीसा असम पंजाब यहाँ पर यहां पर जो जंगल कानूनों का उल्लंघन किया गया कि हम तुम तो नहीं मानते तुम्हारा जंगल कानून तो इसमें एक तरह से हम देख रहे हैं कि भाई ये सभी घटनाओं का इन सभी घटनाओं का एक डिविजिव इंपैक्ट पड़ रहा था गांधी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सब अलग अलग इसमें दिखे अलग अलग तरह से यह आंदोलन चले और लोग अलग अलग जो है तरीके से अपने कार्रवाई करें बटा हुआ भारत दिखे तो गांधी जो है पांच मार्च उन्नीस को गांधी ने इरविन के साथ समझौता किया और आंदोलन को वापस ले लिया था ठीक तो कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा कल के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे गांधी इरविन पैक्ट ठीक तो गांधी पैक्ट क्यों कल मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी क्योंकि गांधी पैक्ट के बाद ही गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे तो गोलमेज सम्मेलन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी तक गोलमेज सम्मेलन से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है ठीक है तो सविनय आंदोलन का आप लोगों को पूरा जो है क्या आ, कारण था सविनय अवज्ञा आंदोलन का तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण आपसे अगर पूछा जाएगा तो भाई उस समय देश उत्तरदायी सरकार की दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है ठीक और पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हो चुका है और यहाँ पर जो है कई तरह किसान परेशान है औद्योगिक घर वर्ग भी परेशान है इन सब सभी दिक्कत समस्याओं को लेकर गांधी ने इस आंदोलन को शुरू किया लेकिन याद रखिएगा कि गांधी के इलेवन डिमांड में कहीं पर भी पूर्ण स्वराज मेंशन नहीं था जैसे गांधी ने असहयोग आंदोलन में कहा था एक साल में स्वराज तो यहां पर हमने देखा कि गांधी ने अपने इलेवन डिमांड्स में जिसमें आपने देखा कुछ कॉमन इंटरेस्ट वाला था कुछ बुजुर्गोइ वाला था एलिट क्लास का था कुछ जो है किसानों के लिए था लेकिन इसमें गांधी ने किलियर की हम पूर्ण स्वराज पूर्ण जैसा कि लाहौर में पास हो चुका है तब तक हम इस आंदोलन को करेंगे ऐसा गांधी ने नहीं कहा था उन्होंने कुछ सुधार डिमांड किए थे और उसी पर गांधी इरविन समझौता होता है कि जैसे नम, नमक नमक बनाने का अधिकार देने के लिए सरकार तैयार हो गई थी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को उनके कुर्क की हुई जो उनकी संपत्ति उनके घर और थे उनको लौटाने के लिए सरकार तैयार हो गई थी ठीक है तो जैसे काफी कुछ सरकार ने माना था कुछ नहीं माना था आंदोलन क्या अपने लक्ष्य में कामयाब रहा अपने लक्ष्य प्राप्ति में तो बिल्कुल हम कहेंगे कि एकदम कोई ऐसी दो टुक सफलता इस आंदोलन को भी नहीं मिली थी गांधी ने दोबारा अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के, के लिए घोषणा की थी जब अरेस्ट कर लिए गए थे कांग्रेस को ही इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था बैन कर दिया गया था कांग्रेस को तो असहयोग आंदोलन की तुलना अगर हम लोग करेंगे अवज्ञा के साथ तो असहयोग एक ज्यादा मजबूत आंदोलन था सभी वर्गों का पार्टिसिपेशन हिंदू मुस्लिम एकता के साथ और उसका प्रभाव भी ज्यादा था प्रभाव इसका भी देखा गया जगह जगह आपने देखा कि जगह जगह पर लोग मोटिवेट होकर कई स्थानीय आंदोलन हुए लेकिन पार्टिसिपेशन की अगर हम लोग बात करें भागीदारी की बात करें जन भागीदारी की बात करें तो असहयोग की तुलना में कम रहा तो कंपेरेटिव क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है ठीक तो देखिए साढ़े दस बजे साढ़े दस बजे मैं ले रही हूं अनअकेडमी के ऐप पर फ्री है बिल्कुल उसके लिए आप मतलब सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है आप फ्री में ये क्लास ले सकते हैं अन अकेडमी के ऐप पर तो हिस्ट्री एनसीईआरटी के साथ मैंने शुरुआत की है सुबह साढ़े दस बजे टेन थर्टी मॉर्निंग ठीक तो आप लोग इससे जरूर जुड़िए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन कल मिलते हैं हम लोग कल सुबह साढ़े दस बजे एनसीआरटी की क्लास में और शाम को मिलेंगे हम लोग हम शाम को कल तीन टॉपिक कवर करेंगे गांधी पैक्ट गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और एक और टॉपिक रहेगा कराची गांधी पैक्ट को कराची कांग्रेस में अप्रूवल मिला था तो गांधी पैक्ट कराची कांग्रेस और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस तीनों गोलमेज तीनों गोलमेज सम्मेलन ठीक तो कल मिलते हैं आप लोग ऐप पर जरूर आइएगा सेशन लेने के लिए तो मन लगाकर पढ़ते रहिए ध्यान लगाकर पढ़ते रहिए क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आएगा और अभी जो मेहनत कर लेंगे आप फिर पूरी लाइफ सेट रहेंगे खुश रहेंगे तो अभी ये समय आपका मेहनत करने का है इस समय किसी भी तरह की लापरवाही कोताही बिल्कुल मत करिए तो कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग रेगुलर रहिए कंसिस्टेंट रहिए तो कल मिलते हैं टेक केयर बाय बाय